क्या हाल है आप सबके। डॉक्टर एनके शर्मा मेरा नाम है। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में लास्ट मिनट रिकॉल में 360 आउट ऑफ 360 हमारे आ जाएं, टॉप रैंक हमारी आनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं, बाकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जहां से एसर्शन रीजन क्वेश्चन ना बन जाए, कहीं से डिफाइनिंग क्वेश्चन ना बन जाए, हमारी एनसीईआरटी की वो लाइन जो अक्सर हमसे छूट जाती हैं, एक बार उनकी तरफ नज़र डाल रहे हैं बहुत जल्दी से। सो देखिए, कुछ बहुत लिमिटेड चीज़ें मैं यहाँ पर इस डिस्कशन में इंक्लूड कर रहा हूँ। हमें पता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की भी है, लेकिन इस लाइन को देखिए के एक बात समझ लीजिए। वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व्ड एडेप्टेशंस टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ ऑर्गेनिज्म में कुछ एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन वो ट्रेट्स हैं जिनकी मदद से ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में ना केवल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पा रहा है, बल्कि एक इफेक्टिव रेट पर रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है। ये हुआ है नेचुरल सिलेक्शन में। नेचुरल सिलेक्शन में वो वेरिएशंस सेलेक्ट हुई हैं जिन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाई है, जिनमें जो एबिलिटी है, एडेप्टेशन की जो एबिलिटी है, वो जेनेटिकली और हेरिडिटरीली डिटरमिंड है। वो उन ट्रेट्स पर बेस्ड है जो इनहेरिट होते हैं। रिप्रोडक्टिव फिटनेस होनी चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रेट्स दैट आर इनहेरिटेड। एडेप्टिव एबिलिटी मस्ट हैव अ जेनेटिक बेसिस। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड फॉर अ वेरी एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आपकी एनसीईआरटी लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में आपको बता रही है कि सालमन, पैसिफिक सालमन कितनी बार ब्रीड करती है, बैम्बू कितनी बार ब्रीड करता है, मैमल्स कितनी बार ब्रीड करते हैं, कितने प्रोजेनी पर रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं और प्रोजेनी का साइज क्या है। सो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस कंसेप्ट को आप समझिए। एक और चीज़ समझिए बेटे। आप कहेंगे सर ये हमें आता है, लेकिन फिर समझ लीजिए। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। तो मैंने आपसे ये कहा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। जो एबायोटिक फैक्टर है, इकोलॉजिकली रेलेवेंट सबसे ज़्यादा क्या है, टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम काइनेटिक्स को असर डालता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको पता है इस बात का। लेकिन ये देखिए वाटर में क्या लिखा है, वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइफ बिना पानी के नहीं हो सकती, बिना पानी के लाइफ नहीं होती। अगर मून पे लाइफ नहीं है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह होगी कि वहां पानी नहीं है। सो पानी भी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इकोलॉजिकली रेलेवेंट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, तो वो टेम्परेचर है, क्योंकि वो एंजाइम काइनेटिक पर असर करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हजारों केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और सारे के सारे रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम कैटालाइज करता है। बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग स्टेट नहीं हो सकती। मेटाबॉलिज्म को कौन कैटालाइज करता है, एंजाइम। एंजाइम पर किसका असर है, टेम्परेचर का। और टेम्परेचर इकोलॉजिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर है। क्या यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई? आगे चलते हैं बेटे। इधर देखिए, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि जो बहुत डीप में, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म्स जो हैं उनकी एनर्जी का सोर्स क्या है। सो यहाँ पर बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर। लेकिन अगर आप डीप जाएंगे 500 मीटर से ज़्यादा ओशियन में, तो एनवायरमेंट काफ़ी डार्क है और उसके इनहेबिटेंट्स को नहीं पता सन किसे कहते हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। सो मान लीजिए एग्जामिनर ने कोई assertion reason question बना दिया, तो जैसे मान लीजिए कुछ echinoderms benthos में मिलते हैं। सो ये दो तरीके से आपको समझा रहा हूं। कुछ environment जो benthic environment है, बिल्कुल deep sea में जो dark zone है, इस जगह को आपने कहा benthos। यहां पर अगर आप higher organisms की बात करेंगे तो आपको काफी सारे क्या देखने को मिलते हैं, echinoderms देखने को मिलते हैं। इन्हें खाना कहां से मिलता है? तो होता क्या है कि अपर लेयर्स में जो ऑर्गेनिज्म है, उनका जो डेट्रिटस है डेथ के बाद में, वो नीचे आता है। सो उनका जो डेट्रिटस है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। और ये ऑर्गेनिज्म क्या है, डेट्रिटी वोर्स है।
क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें बड़ी आसानी से ये रिसोर्स मिल जाता है जिसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर रिसोर्स पे इनका एकाधिकार है। इनको बहुत ज़्यादा, देखिए ऑर्गेनिज्म जो ऊपर है मरेंगे ज़रूर, और उनका डेट्रिटस भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और काफ़ी फूड आएगा, इसीलिए इनको एक्टिवली मूव करने की ज़रूरत नहीं है अपने एनवायरनमेंट में। इसीलिए आप जानते हैं कि एडल्ट इकाइनोडर्म्स में एक्चुअली रेडियल सिमेट्री होती है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री उस टाइम के लिए ठीक है जब एक्टिवली मूव नहीं करना है। एक्टिव मूव करना है तो बाइलेटरल सिमेट्री बेहतर है। एक और चीज़ हमें इकोलॉजी में समझ में आ रही है यहां पर, दूसरी चीज यह है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोब्स हैं वो कीमोहेटरोट्रॉफ्स हो सकते हैं, कीमोसिंथेसिस हो सकता है, किसी इनऑर्गेनिक चीज को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। कई बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया इस तरह के हैं जो कि इस तरह का काम कर सकते हैं, तो कीमोहेटरोट्रॉफ भी देखने को मिल सकते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी देखने को मिल सकते हैं। सो ये वो सोर्स है इनकी एनर्जी का, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, देखिए बेटे यहां पर ये वाला एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कॉमनली पूछा जा सकता है, रेड एल्गी इसका आंसर है, फाइकोएरिथ्रिन ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। ब्लू जो वेवलेंथ है, ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है, सोलर स्पेक्ट्रम में सबसे कम है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी फोटॉन्स में, उतनी उनकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी होगी, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है, उनमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, वो पानी में ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसीलिए रेड एल्गी, क्योंकि उनके पास फाइकोएरिथ्रिन है और वो इस ब्लू लाइट को बहुत एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकता है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डीपेस्ट वाटर में मिलेंगे। एक और क्वेश्चन हमारे सामने हो गया, आगे चलिए बेटे जल्दी से कुछ लाइन्स देखते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, यहाँ पर बेटे एक और लाइन आपको याद दिला दूँ, इन जनरल बात मत करना, ये मैमल्स की सक्सेस की बात हो रही है, यहाँ पर मैमल्स की सक्सेस की बात हो रही है, इसका मतलब वो मेंटेन कर सकते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब एक इंटरनल स्टेडी एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। होमियोस्टेसिस में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप कहेंगे थर्मोरेगुलेशन। सो उसे आपने क्या कहा बेटे, थर्मोरेगुलेशन, और ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 रहेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जनवरी के महीने में बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है या जून जुलाई अगस्त के महीने में बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपने एयर कंडीशनर चलाया है, पंखा चलाया है, बंद कर दिया है, सारी चीज़ में आपकी बॉडी आपका एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखेगी। ये हमें फिर उस पॉइंट में लेके आ रहा है कि टेम्परेचर जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को असर करता है, और एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, और आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो सबसे बढ़िया 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। तो वो क्या है कि बॉडी को अपना टेम्परेचर हमेशा 37 रखना है, वो इस एंजाइम काइनेटिक्स की वजह से है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो है ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। और तीसरा अगर आप मुझसे पूछेंगे होमियोस्टेसिस में, द कैपेबिलिटी ऑफ गेटिंग बेटे द ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉन्स्टेंट, ये सारी चीज़ें होमियोस्टेसिस में है, क्योंकि मैमल्स बड़ी आसानी से इस काम को कर पा रहे हैं। केवल बर्ड्स और मैमल्स एंडोथर्म्स हैं, इनमें चार चेंबर्ड हार्ट के साथ साथ बड़ा एफिशियंट रेस्पिरेटरी सिस्टम और सिंगल आयोटिक आर्च है। ये एंडोथर्म है, अपने इंटरनल मेटाबॉलिज्म से अपना टेम्परेचर जनरली एनवायरनमेंट से ज़्यादा रखते हैं, इसीलिए हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, और ये इनकी सक्सेस की वजह है। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया, हम टारगेट कर रहे हैं 360 आउट ऑफ 360 और उन लाइंस को देख रहे हैं जो थोड़ी सी मुश्किल हैं। देखिए बड़े ध्यान से, बहुत स्मॉल एनिमल बहुत रेयरली पोलर रीजन में मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिज्म की एक वॉल्यूम है, एक सरफेस एरिया है।
तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, चलिए इसको अलग अलग कलर से बना लेते हैं। एक ऑर्गेनिज्म देखिए, ये ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया है। सो ये पूरा का पूरा जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ये सरफेस एरिया है, ये इसकी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के हिसाब से रिक्वायरमेंट डिसाइड होगी, ज़्यादा वॉल्यूम होगी ज़्यादा ऑर्गेनलीज होंगी, ज़्यादा सेल होंगे अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म है और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और रिक्वायरमेंट पूरी होनी है एनवायरमेंट से, और ये एक्सचेंज एनवायरमेंट से होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की वो तो वॉल्यूम डिसाइड करता है, और इसको कंप्लीट करने का काम जो एक्सचेंज है वो सरफेस एरिया डिफाइन करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो चाहिए। ऑर्गेनिज्म की वॉल्यूम अगर बड़ी हो गई तो फिर दिक्कत आएगी, और क्योंकि बड़ी वॉल्यूम में ज्यादा सेल होंगे, मोर सेल्स का मतलब हुआ बेटे मोर मेटाबॉलिज्म, ध्यान देते रहिएगा, मोर मेटाबॉलिज्म, और इसका मतलब ये है कि दे विल प्रोड्यूस मोर हीट। सो इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो साइज में बड़ा है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोडक्शन वॉल्यूम का फंक्शन हो गया, और हीट एक्सचेंज, अब मैं अगर स्पेसिफिकली हीट की फॉर्म में कहूँ तो वो सरफेस एरिया का फंक्शन हो गया। सो ये बात हमें समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैं इस ऑर्गेनिज्म के साइज को बड़ा कर देता हूँ, तो आप ये कहेंगे कि सर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई है तो सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज हुआ है। लेकिन सरफेस एरिया बेटे इंक्रीज हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ स्क्वायर, और वॉल्यूम बेटे एज अ फंक्शन ऑफ क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब साइज बड़ा हुआ तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गई है, सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ा है। ये ऑर्गेनिज्म, इसमें सेल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, आसानी से हीट को लॉस नहीं करेगा क्योंकि उतना सरफेस एरिया नहीं है। ये ऑर्गेनिज्म आसानी से कोल्डर एनवायरनमेंट में रह सकता है। अगर आप छोटा ऑर्गेनिज्म कर देंगे तो छोटे ऑर्गेनिज्म में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर बेटे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, वो बस बड़ी आसानी से हीट को लूज़ कर सकता है, तो उसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी अपने टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए। ये वो वजह है कि क्यों छोटे एनिमल्स रेयरली फाउंड होते हैं इन पोलर रीजन। बड़े ध्यान से देखिए, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो का कंसेप्ट, यहाँ से आपसे assertion reason question पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं बेटे। So देखिए एक और line आपके सामने, जल्दी से देखते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा बहुत selected line मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब आप high altitude पे जाते हैं तो environment में partial pressure oxygen का कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि tissue पे oxygen का level कम हो सकता है, इसे hypoxia कहते हैं। क्या एडेप्टेशन होती है, उस एडेप्टेशन में, मैं इस एडेप्टेशन की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूँ कि यहाँ पर बेटा डिक्रीज होता है बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। आप बड़े जल्दीबाजी में ये सोच सकते हैं कि कायदे में एफिनिटी बढ़नी चाहिए, आपके दिमाग में ये आ सकता है। एफिनिटी बढ़ने का मतलब है कि अगर कम भी है ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा सेचूरेट हो जाएगा। इसका मतलब अगर लेस पार्शियल प्रेशर है तो मोर क्या है बेटे, सेचूरेशन है। हम ये कहेंगे कि एफिनिटी बढ़ गई, एफिनिटी इंक्रीज हो गई, और हमें ऐसा लगता है कि ये डिक्रीज बात ठीक नहीं लग रही है। लेकिन डिक्रीज इसलिए बेटे, डिक्रीज इसलिए क्योंकि अगर एफिनिटी बढ़ गई तो टिश्यू पे छोड़ेगा नहीं ऑक्सीजन। सो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, फिर टिश्यू पे छोड़ेगा भी नहीं बेटे, अगर उसकी एफिनिटी ज्यादा है तो वो टिश्यू पे छोड़ेगा नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी जबरदस्त एफिनिटी है उसकी हीमोग्लोबिन के लिए, आपको पता है किस तरह से एक्सक्लूड कर देता है ऑक्सीजन को, और हाइपोक्सिया हो सकता है। तो बेहतर ये है कि यहां पर ये आसानी से टिश्यू पर छोड़े, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यू को मिलनी चाहिए। फिर आप कहेंगे सर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, आप आरबीसी काउंट बढ़ा दीजिए, आरबीसी काउंट को क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन एफिनिटी हीमोग्लोबिन की इंक्रीज नहीं करनी है। ये बात याद रखिएगा, यहां पर मैंने इस वाले कंसेप्ट में बच्चों को बहुत गलती करते देखा है। खैर, इसके बाद और आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने, देखिए बेटे बड़े ध्यान से, पॉपुलेशंस पर हम आते हैं, और पॉपुलेशंस में यहां पर मैंने ई माइग्रेशन लिखा है। सो आपकी एनसीईआरटी बता रही है कि ई माइग्रेशन कब, देखिए ज्यादातर टाइम तो नेटैलिटी मॉर्टैलिटी पॉपुलेशन का
साइज डिटरमिन करेगी, लेकिन ई माइग्रेशन कब कर सकती है, रेलेवेंट हो सकता है कंटेम्प्ररी टाइम्स में। सो मान लीजिए किसी कंट्री में कोई बहुत खतरनाक लेट अस से कोई वॉर चल रहा है और उस वॉर की वजह से वहाँ पर एक मास एक्सोडस हो रहा है और बहुत से लोग जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि डेथ से ज़्यादा लोग बाहर भाग जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपके लिए ये किया है क्योंकि आप जानते हैं कि देर इज़ अ कन्फ्लिक्ट दैट इज़ गोइंग ऑन इन यूरोप वर्ल्ड में इस टाइम पर। हो सकता है इस तरह के कंडीशन में ई माइग्रेशन एक्चुअली मॉर्टेलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाए डिक्रीज इन पॉपुलेशन को डिसाइड करने के लिए। सो ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस यहां पर जनरली सब लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं, इस लाइन को दोबारा रीइंफोर्स कर देते हैं। शुरू में मैंने आपको लाइन दिखाई, फिर देखिए बात को। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सीधी सी बात है बेटे, पॉपुलेशन का जो इवोल्यूशन है वो इस चीज़ के हिसाब से है कि वो एडेप्टेशन सेलेक्ट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस देते हैं। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब हायर आर वैल्यू। आर का मतलब क्या है? बायोटिक पोटेंशियल, कितने प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। तो बेटर एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट में बेहतर रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस बेहतर रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हायर रेट पर रिप्रोड्यूस करके ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। ये वो बात है जो यहाँ पर हमें बार बार पता चल रही है। फिर आपको वो एग्जांपल्स आते हैं जो मैंने आपसे कहा था, पेलेजिक फिश, पैसिफिक साल्मन, बर्ड्स, मैमल्स के बारे में। अगली लाइन देखते हैं बेटे, बहुत ध्यान से इस लाइन को देखिएगा। प्रीडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रीडेटर का एक फंक्शन और देखिए कि मान लीजिए ये एक एपेक्स प्रीडेटर है, कोई हाईएस्ट लेवल का प्रीडेटर है। एपेक्स प्रीडेटर का मतलब है कई चीज पर प्रीडेट करता है। लेट अस से ये 1, 2, 3, 4 और 5 इन स्पीसीज पर प्रीडेट कर रहा है। अब आप जब तक ये प्रीडेटर है इन सब की पॉपुलेशन को चेक में रख रहा है। सो बेसिकली प्रीडेटर का काम है कि वो प्रे की पॉपुलेशन को चेक में रखता है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या किया कि इस एपेक्स प्रीडेटर को यहां से हटा दिया। इन सब का नंबर अब बढ़ेगा, इन सब का नंबर बढ़ेगा, और जब इनका नंबर बढ़ेगा क्योंकि अब ये प्रीडेटर रेगुलेट नहीं कर रहा है प्रे की पॉपुलेशन को, अब यहाँ प्रीडेटर नहीं है, इन सब का नंबर इंक्रीज होगा और नंबर इंक्रीज होने के बाद में बेटे इनके बीच में कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन में हो सकता है कि ये सबसे अच्छा हो और बाकी सारे क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। सो आपने ये देखा कि हो सकता है खाली 3 बच जाए और एपेक्स प्रीडेटर को हटाने की वजह से गड़बड़ क्या हुई कि वहाँ पर जो डाइवर्सिटी थी वो एक्चुअली कम हो गई। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो यहाँ पर प्ले हो रहा है वो ये है कि प्रीडेटर जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है। मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई। चलिए अगली लाइन बताता हूँ आपको, इधर देखिए। थोड़ा सा मतलब इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन ऑफ डिफेंस इन प्लांट्स इज थॉर्न। सो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक बार आपको याद दिला रहा हूँ कि मॉर्फोलॉजिकल जो तरीका है, जो मॉर्फोलॉजिकल तरीका है डिफेंस का अगेंस्ट हर्बीवोरी, वो सबसे कॉमन द प्रेजेंस ऑफ थॉर्न है। चलिए एक और चीज़ समझिए, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। तो यहाँ पर शब्द देखिए बेटे, कुड ऑल्सो लिखा है। जरूरी नहीं है कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में ही कॉम्पिटिशन हो, उनके बीच में तो होगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में नहीं होता। कुछ बच्चे ऑल और नन की बात करते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में तो तय है, क्योंकि उनका जो निश है वो काफ़ी कुछ ओवरलैप करता होगा, वो एक तरह के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाजमी है उनके बीच में कॉम्पिटिशन। पर यह जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिशन होने के लिए बहुत क्लोजली रिलेटेड ही हों। अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी अगर सेम रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो उनके बीच में भी कॉम्पिटिशन हो सकता है और बहुत सीवियर हो सकता है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि एक और चीज समझिए, सपोज करिए कि एक मान लीजिए एक यहां पर एक खेत है और इस खेत में एक एग्रीकल्चर फील्ड है, बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स हैं। सो इसमें कम से कम मैं ये कह रहा हूं कि 10 काउज जो है वो ग्रेज कर सकती हैं।
सो दस दस काउज यहाँ पर आराम से ग्रेज कर सकती हैं, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब हमने ये कहा कि यहाँ पर एक लेट अस से बहुत एग्रेसिव बुल यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेट अस से एक बहुत एग्रेसिव बुल खड़ा हुआ है और उसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो काउज हैं या और ऑर्गेनिज्म हैं, शीप्स हैं, वो अंदर नहीं आ पा रहे, घबरा रहे हैं उससे। सो कहने का मतलब ये है कि इसको सारा नहीं चाहिए, इसको सारा नहीं चाहिए, इसके लिए तो इतने ही बहुत थे, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से ही गड़बड़ क्या हो रही है कि बाकी ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पर अंदर नहीं आ रहे हैं। So, इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग हो कंपटीशन के लिए। सो जैसे इंटरफेरेंस कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेटिव कंपटीशन, इनमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने ये कहा कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर आपको समझ में आ गए। आगे देखते हैं बेटे, एक और देखिए, एक और चीज़ समझिए। मैंने ये कहा कि मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पर ए मिलता है, यहाँ पर बी मिलता है। सो यहाँ पर ए मिल रहा है, वहाँ पर बी मिल रहा है। अब हमने ये कहा कि आपने इस बी को यहाँ से हटा दिया। जब आपने इस बी को यहाँ से हटाया तो आपने देखा कि इस पूरे एरिया में ए मिल रहा है। सो ए मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बी प्रेजेंट था, क्योंकि बी इस पर्टिकुलर जगह के एनवायरनमेंट में बेहतर एडेप्टेड होगा, इसकी वजह से ये ए हालांकि यहाँ रह सकता था पर मिलता नहीं था बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ से हटा दिया तो ये एक्चुअली इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता था। यहाँ से एक कंसेप्ट आता है, एक आता है फंडामेंटल निश। फंडामेंटल निश का मतलब ये है कि कौन सी जगह वो एक्चुअली रह सकता है। तो ए का फंडामेंटल निश ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा फंडामेंटल निश है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट होता है बेटे, इसे कहते हैं रियलाइज्ड, कि एक्चुअली फंडामेंटल की बात नहीं है, एक्चुअली रह कहाँ पर पा रहा है वो ये वाली जगह है। सो ये रियलाइज्ड निश है, ये पूरा का पूरा फंडामेंटल क्या है, निश है। अगर आप इस सुपीरियर को इधर से हटा देंगे तो इसका बेटे डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इसे आप कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई, बाकी एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं बेटे, एक और दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पर देख रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट। सो बड़े ध्यान से देखिए बेटे, ज़्यादातर पैरासाइट्स को एक होस्ट से निकल के दूसरे होस्ट में पहुँचना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एनसीईआरटी ये कह रही है कि वाई डिडेंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ टोटली हार्मलेस पैरासाइट। पैरासाइट नुकसान क्यों पहुँचाते हैं, अगर नुकसान ना पहुँचाएं तो होस्ट भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, तो इससे पैरासाइट को फ़ायदा होना चाहिए। पर वो नुकसान पहुँचाता है तो होस्ट भी उसके खिलाफ कुछ ट्रेट्स डेवलप करता है। ये तो ऐसा लगता है कि अपना नुकसान कर रहा है, अगर ये नुकसान ना पहुँचाता तो होस्ट भी इसके खिलाफ कोई काम नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए साल्मोनेला टाइफी एक ह्यूमन बीइंग में घुसा, साल्मोनेला टाइफी ने इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन किया, अब उसे इस ह्यूमन से निकल के दूसरे ह्यूमन में जाना है, तो इट एक्चुअली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ से फॉर एग्जाम्पल लूज मोशंस। वहाँ से इसकी वजह से वो इस बॉडी से बाहर निकलेगा। और आप ये समझिए, मान लीजिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म को ये ऑर्गेनिज्म खाता है। सो हमने ये कहा कि मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ऑर्गेनिज्म ए है और ये हमने कहा ये प्रेडेटर है, एक ऑर्गेनिज्म बी है, ये प्रे है। अब एक पैरासाइट है, इसको हम पी कहेंगे, इसने कुछ लाइफ साइकिल इसमें और कुछ लाइफ साइकिल इसमें पूरी करनी है। सो ये जो प्रे है, इसको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए होस्ट के तौर पे। इसने इसे नुकसान पहुंचाया पहले, और क्योंकि इसको वीक कर दिया तब प्रेडेटर इसको आसानी से पकड़ पा रहा है, और पकड़ के जब कंज्यूम करता है तो ये प्रे इसमें चला गया प्रेडेटर में। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको यहाँ से आगे जाना है। क्या ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है बेटे? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जस्ट एक थॉट के लिए आपको एक चीज छोड़ता हूं, नीट में तो नहीं आएगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि जिस टाइम पर मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल में आपको पता है आरबीसी बर्स्ट होके हीमोजोइन रिलीज होता है, याद है, उसकी वजह से मलेरिया का पैरोक्सिज्म होता है, ठंड लग के बुखार चढ़ता है, बहुत तेज बुखार होता है आदमी को। जब किसी आदमी को बहुत तेज बुखार होगा उस टाइम उसके ब्लड में गैमोसाइट्स होंगे,
याद रखिए उस टाइम पर उसके ब्लड में गैमोसाइट्स होंगे, याद कीजिए मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल, आरबीसी रप्चर हुआ, हीमोजोइन लिबरेट हुआ, बुखार चढ़ा और उस टाइम वो गैमोसाइट्स भी पहुंच बनेंगे आरबीसी में घुसने के बाद में, याद आ रहा है, ये वो गैमोसाइट हैं जो मलेरियल पैरासाइट जो कि फीमेल एनाफिलीस में पहुंचने चाहिए। इस टाइम पर बाइट होनी चाहिए, तो बहुत तेज बुखार हुआ और बहुत तेज बुखार होने की वजह से द पर्सन रिमूव्स द क्लोथ्स एंड एक्सपोजेस द बॉडी पार्ट एंड नाउ इट इज बेटे अवेलेबल फॉर द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, जस्ट फॉर योर थॉट, जस्ट फॉर योर थॉट प्रोसेस। सो आप समझ रहे हैं कितनी जबरदस्त बात है। वूचर एरिया बैंक्रॉफ्टी, इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका जो पर्टिकुलर पैरासाइट है, उसके जो माइक्रोफाइलेरिए हैं उनकी नॉक्टर्नल पीरियोडिक सिटी है। इसका मतलब लिम्फ से निकल के पेरिफेरल ब्लड में वो रात में आते हैं, बिल्कुल जैसे मान लीजिए रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये जो है किस में आते हैं, पेरिफेरल ब्लड में आते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यूलेक्स जो है, जो इनका इनका जो वेक्टर है, उसकी फीडिंग हैबिट्स क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बेसिकली फैसिलिटेट कर रहा हो इस तरह के ट्रांसमिशन को? क्या आपने कभी ऐसे सोचा कि कितनी बढ़िया बात आपकी एनसीईआरटी बता रही है? और एक और चीज समझ लीजिए बेटे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कोई पैरासाइट है, लेट अस कॉल दिस पैरासाइट एज P2, वो कुछ तो अपनी लाइफ साइकिल ग्रास, कुछ तो अपनी लाइफ साइकिल एंट्स पे, एंट्स में जो चींटियां होती हैं उसमें उसकी लाइफ साइकिल चलती है, और कुछ बेटे काऊ में चलती है। सो उसकी लाइफ साइकिल इन दो में होती है, एंट्स में और काऊ में। अब देखिए ये तो बड़ी अजीब सी बात है, वो कैसे एंट से निकल के कहां पहुंचेगा काऊ में? तो हुआ क्या कि ये जो ग्रास है, इधर देखिए बेटे, जो ग्रास है, इस ग्रास में जो चींटियां हैं वो इधर जमीन पे चल रही हैं। सो यहां पर बेटे हमने क्या कहा, एंट्स जो हैं वो वॉक कर रही हैं, इतना ऐसे समझ लीजिए। यहां पर चलिए कलर ये ले लेते हैं, यहां पर एंट्स वॉक कर रही हैं। लेकिन जिस टाइम पे कोई ये P2 इसमें घुसता है और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो P2 इस एंट के न्यूरल सिस्टम पर असर डालता है। न्यूरल सिस्टम की वजह से ये जो चींटी है इसका बिहेवियर ऑल्टर हो जाता है और ये चींटी घास पर चढ़ना शुरू हो जाती है। अब आप समझ गए कि ये कैसे काऊ में पहुंचेगा, और मुझे उम्मीद है ये एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपको काफी कुछ इसमें समझ में आया होगा। इस चैप्टर के इनटेक्स्ट क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, मुझे उम्मीद है। जस्ट हम इस टाइम ये देख रहे हैं कि इस तरह से यहां से अगर एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन बना दिया तो आर वी रेडी और नॉट। एक और चीज देखिए, फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स आर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। तो कोई भी चीज बेटे अगर पैरासाइट है तो उसको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए शेल्टर होस्ट से और दूसरा चाहिए न्यूट्रिशन। अब आप फीमेल एनाफिलीज की बात देखिए, बिल्कुल क्लियर करिए इस चीज को। हमने कहा अब आप फीमेल एनाफिलीज देखिए, उसको ना तो शेल्टर चाहिए आपसे, वो शेल्टर नहीं ले रही, और ना बेटे न्यूट्रिशन। वो जो ब्लड बेटे ब्लड को कंज्यूम कर रही है वो उसके रिप्रोडक्शन को फ्रूटफुल करने के लिए है, वो न्यूट्रिशन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हमें समझ में आ गया, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? द आंसर इज यस, वी कैन एक्सप्लेन, और हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। क्या ये बात सही है बेटे? एक और चीज़ देखिए, जितने भी एंडोपैरासाइट्स हैं इनकी फिजियोलॉजी बहुत सिंप्लीफाइड होती है लेकिन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई होता है। अब आप एक चीज समझिए, आपकी एनसीईआरटी यहां पर एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रही है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो होस्ट में बेटे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। ह्यूमन लिवर फ्लूक क्लोनोर के साइनेंसिस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है स्नेल में और फिश में। सो ऐसे सोचिए कि किसी ह्यूमन बीइंग में क्लोनोर के साइनेंसिस, सो याद रखिए ह्यूमन लिवर फ्लूक की बात हो रही है, सबका नाम फैसियोला हिपैटिका नहीं है, फैसियोला हिपैटिका शीप की लिवर फ्लूक होगी, या ह्यूमन लिवर फ्लूक की बात हो रही है। क्लोनोर के साइनेंसिस ह्यूमन में, ह्यूमन से एम्ब्रायोनेटेड एग निकले, ये पानी में पहुंचे बेटे, पानी में पहुंचने के बाद में ये स्नेल में घुसे, स्नेल में इनका डेवलपमेंट हुआ, फिर ये स्नेल से बाहर निकले, फिर पानी में बेटे ये घुसे एक फिश के अंदर, वो फिश भी एक ही तरह की होनी चाहिए, फिर इस फिश के मसल में पहुंच गए, फिर ये फिश पकड़ी जाए, ये फिश जो है बेटे गॉट कॉट, किसी ह्यूमन ने पकड़ ली और फिर उसने बेटे उसे पकाया खाने के लिए और खाना बनाने की गैस खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी तरह नहीं पका पाया, तो आप सोचिए बेटे, और उसके बाद उसने जब इसको खाया तो ये पहुंच गई। अब आप सोचिए इसके कितने ऑड्स हैं, ये निकले पानी में पहुंचे,
पानी में पहुंचने के बाद में स्नेल मिल जाए उसको, फिर स्नेल से निकल के मछली मिल जाए, वो ही एक तरह की मछली, उसमें डेवलप हो, फिर वो मछली पकड़ी जाए और पकड़ के बेटे उसे पकाया जाए और प्रॉपरली पकाया ना जाए। जस्ट इमेजिन करिए ऑड्स एस्ट्रोनॉमिकल है। इसको इंक्रीज करने के लिए कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ये पहुंच जाए, आपको नहीं लगता कि इसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई होना चाहिए? एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस जो फीमेल ह्यूमन इंटेस्टाइन में है वो पर डे 200,000 एग प्रोड्यूस करती है, 200,000 एग प्रोड्यूस करती है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलिए बेटे ये भी बात हमें समझ में आ गई बहुत अच्छे से। लास्ट में हमने ये कहा, ये मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे टेस्ट सीरीज़ में पूछा था, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो को इवोल्यूशन हो रहा है प्लांट और उसके पॉलिनेटर के बीच में, प्लांट ये चाहेगा कि वो रिवार्ड कोई ऐसा इंसेक्ट ना यूज़ कर ले जो कि उसे पॉलिनेट ना करे, इसको चीटर कहते हैं। इससे बचने के लिए हमने कहा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, को इवोल्यूशन होता है इन दोनों के बीच में। उम्मीद है 360 बाय 360 जो हमारा एंडियवर है उसमें आपको इससे मदद मिलेगी, मैं बहुत जल्दी बेटे आपके साथ और बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस करता हूँ। लास्ट मिनट में आप ये देख ही रहे हैं, आपकी भी अपनी कोई क्वेरी है, आप भी ये चाह रहे हैं हम एक और वीडियोस कर रहे हैं जिसमें आप जो कंसेप्ट कह रहे हैं उसको भी मैं पोस्ट करता जा रहा हूँ। लास्ट मिनट में आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको बेटे एक बार अपना मेरे को मैसेज भेज दीजिए कि सर ये बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कई बच्चों की प्रॉब्लम होगी उसको मैं आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत जरूरी इसलिए है ताकि मैं बता सकूं कि वो आपकी पसंद का वीडियो कब डाल दिया गया है। थैंक यू सो मच।